नमस्कार दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल हम गए थे पत्थर गांव, वहाँ पे खाए नेपाली भाई वाला मोमो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, उसी मोमो को ट्राई करने जा रहे हैं। तो हम रेडी हो गए हैं। देखिए जितेश सर बिल्कुल सब सामान लेके रेडी हो गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे मोमो। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, इसको मैदा को डालते हैं पहले। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम देंगे क्योंकि ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालते हैं, तो रहने देते हैं। अब हमारे मसाला को तैयार करेंगे। हाँ, सार्थक ब्रश कर रहा है सबके लिए नाश्ता। सार्थक ब्रश कर ले जल्दी। हमारे गोभी प्याज काट कर रेडी हो गया है बिल्कुल। सार्थक देखिए, वो देख देख के कूट रहा है, वो भी सीख गया है। सार्थक वो भी कोशिश कर रहा है। अबे अबे अबे, रहने दे, हो गया हो गया तेरा काम। सार्थक हो गया हो गया। तेल गरम हो गया है, अब अदरक लहसुन पेस्ट, नमक भी थोड़ा डालेंगे, है कि नहीं? और पत्ता गोभी डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर डाल दें, मिर्च, काली मिर्च, इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हमारा मोमो उसका टॉपिंग बिल्कुल रेडी हो गया है, ये तैयार हो गया है। अब मोमोस को तैयारी करेंगे। सार्थक मस्ती मूड में है। एकदम डांस के मूड में, छोटे छोटे टुकड़ा करके काट रहे हैं जितेश सर इसको अभी। सार्थक को लग रहा है खाने वाला चीज़ है, इसीलिए मांग रहा है। अभी तक रेडी नहीं हुआ है सार्थक, अभी उसको बनाएंगे, फिर वो मांग रहा है। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे बनाएंगे। बहुत बड़ा पीस हो जाएगा। मसाला को हम गोल किए हुए रोटी जैसे में डालेंगे। बहुत बड़ा, नए नए ट्राई कर रहे हैं तो देखते हैं, बहुत बड़ा मोमो बन गया है। अब इसको इस तरीके से गोल बनाएंगे जिससे पूरा अंदर रह सके, मसाला बाहर ना आ सके। पहला मोमो रेडी। हमारा पानी गर्म हो गया है, अभी मोमोस भी रेडी हो गया है। उसको उसको डालेंगे अभी इसमें, जिसमें हम इडली बनाते हैं उसी में डाल रहे हैं। छोटा बड़ा मीडियम सब साइज का है। अब इसको ढक देंगे। अब ये हमारा मोमोस बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा मोमोस बिल्कुल रेडी हो गया है अभी बन के। अभी बनाएंगे टमाटर का चटनी। इसको आग में थोड़ा सा जला लेते हैं तो बढ़िया रहता है, टेस्ट बढ़िया रहता है। मिर्ची डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। हमारा मोमोस रेडी हो गया है। अब ये विशि सार हैं, ये जितेश सार हैं, ये सुभाष सार हैं। बताइए टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है। हम पहली बार मोमो बनाए हैं तो टेस्ट करके देखते हैं कैसे है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार मोमो बनाए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। नीतू सर आपको कैसा लग रहा है? नीतू सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है। होटल सर, ज़्यादा मिर्ची हो गया है कि कैसा लग रहा है? थोड़ा तीखा ज़्यादा हो गया है।